तो आज मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे ही ट्रैफिक जाम मिल नहीं रहा है मुझे एक्चुअली। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फटाफट सामान उतर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं निकल गया यूनिवर्सिटी का बाहर। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आज भी मैं थोड़ा देरी से आया हूँ क्योंकि कल मैं जल्दी आ गया था, तो आने के बाद मैं बैठते बैठते वही मिला, कितना बजे काम 3-4 बजे मिला। तो दोस्तों इसी वजह से मैं थोड़ी देरी से आया हूँ क्योंकि सुबह आके इतना फ़ायदा नहीं है आजकल, तो करते वेट दोस्तों अभी। एक्चुअली वहाँ पर गाड़ी है इसलिए मैंने यहाँ पर गाड़ी लगाया है MB का सामने, तो करते वेट दोस्तों, देखते हैं कब तक मिलता है आज, करते वेट। अभी थोड़ी देर में 12 बजने वाला है, मेरा नहीं मतलब 12 बजने वाला है, तो 12 बजे का पहले ही आ गया, मतलब पहुंच गया यहाँ। 2 hours later सो दोस्तों फाइनली 2 घंटा बैठने के बाद में कॉल तो आ चुका है, और गाड़ी मेरा यहाँ पे था और मैं गाड़ी के अंदर में बैठा हुआ था, तो भैया ने कॉल किया दोस्तों। एक्चुअली नंगड़ा जाना है मार्थन जो लूथर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ही सामान लेके जाना है भैया का, तो चले दोस्तों जाके सामान ढाल लेते हैं। कौन सा सामान है मुझे मालूम नहीं, शायद किन का सोफ़ा होगा, तो जाके ही पता चलेगा। अभी लगाता हूँ गाड़ी घूमो तो वहाँ पे भैया का दुकान का सामने लगा के दिखाता हूँ मैं। दोस्तों फाइनली सामान मैंने ढाल दिया है, बात यह है पूरा सेट नहीं जा रहा दोस्तों, बस 2 चेयर ही जा रहा है और चेयर को ढक दिया है क्योंकि धूल वगैरह नहीं गिरने के लिए दोस्तों। और यहाँ पे एक साइड टेबल है, साइड टेबल का जो ग्लास है वो मैंने अंदर ढाल दिया है और उसका 2 क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों। तो चलिए निकलते हैं, जाना है मार्थिन लूथर यूनिवर्सिटी नोंगरा में, चलिए निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों नोंगरे मिल से आगे जो यहाँ पे रास्ता है जो शॉर्टकट जाता है लापोलॉन्ग में, तो ये रास्ते में मैं उठ गया क्योंकि कस्टमर को मैंने अभी कॉल किया है, वो बोल रहा है थोड़ा यहाँ पे रुकने के लिए, तो इसलिए मैं रुका था दोस्तों। एक्चुअली मैं रेंजा होके भी जा सकता हूँ लेकिन यहाँ से अभी इतना दिन नो एंट्री था दोस्तों क्योंकि रास्ता बंद रहा था, अभी तो फिलहाल रास्ता खुल चुका है, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से ही जाने से बेहतर होगा। उन्होंने बोला है रुकने के लिए इसलिए मैं रुका हूँ, तो क्यों रुकने के लिए बोला मुझे पता नहीं दोस्तों क्या हो गया। 5 minutes later दोस्तों मैंने फिर से कस्टमर को फोन लगाया, मैंने बोला मुझे तो जगह मालूम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं निकल गया दोस्तों क्योंकि वहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है जगह यार, अगर मालूम नहीं होता था तब तो मैं रुकता था। उन्होंने सोचा कि शायद मुझे मालूम नहीं है इसीलिए, नहीं दोस्तों चलते हैं, वो भी आ रहे हैं शायद, मैंने पूछा नहीं उनको कि वो कहाँ पे है, जस्ट बोले कि आ रहे हैं, चले दोस्तों चलते हैं। दोस्तों जो रास्ता आपने अभी भी देखा है वो एक्चुअली शॉर्टकट रास्ता है, जो रास्ता जाके सीधा मेन रोड में मिलेगा, तो मैं अभी जा रहा हूँ फिर लेफ्ट लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेने के बाद में आगे जाके मेन रोड मिल जाएगा मुझे। अगर आप कभी कभार मेन रोड में ट्रैफिक जाम मिल जाए तो आप डेफिनेटली यहाँ से जाइए क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट भी पड़ता है दोस्तों और थोड़ा टाइम भी बचेगा आपका। ये मैं पहुंच गया दोस्तों मेन रोड, देखिए तो आज मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे ही ट्रैफिक जाम मिल नहीं रहा है मुझे। एक्चुअली यहाँ पे भी स्कूल है दोस्तों और ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि लापोलॉन्ग पॉइंट का जो ट्रैफिक जाम है वही लगा है पॉइंट का, और टाइम हो रहा है दोस्तों 3:30 यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली मैं निकला था जब स्कूल छुट्टी हो गया था दोस्तों, इसी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम में फंस गया था मैं, तो आने में भी टाइम लग गया दोस्तों। जस्ट रेंजा फिलहाल तो मैं अभी भी रेंजा में ही हूँ,
और रेंजा में पहुँचते पहुँचते मुझे टाइम लग गया 3:30। तो वही बात है दोस्तों, अभी और कितना टाइम लगेगा क्योंकि आगे कितना तक ट्रैफिक जाम। एक्चुअली यहाँ पे तो इतना होता नहीं, लाइमुखरा में ज़्यादा होता है, लाइमुखरा में धान खेती पानी वो सब में, यहाँ पे तो एक्चुअली इतना होता नहीं है दोस्तों। देखते हैं, जा तो रहे फिलहाल, तो गाड़ी चल रहा है, लेकिन आगे जाके रुकेगा कि नहीं मुझे लग नहीं रहा है आगे के लिए इतना रुकेगा। इससे थोड़ा 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 करके ट्रैफिक जाम है दोस्तों, इतना ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस पास ही। उसमें जब अपलम पॉइंट से लेफ्ट घुसना है, लेफ्ट घुस के फिर राइट में सीधा चढ़ना है मुझे, और फिर आएगा जो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का, तो मुझे फिर से राइट टर्न लेना है अंदर में। चलिए चलते हैं, अभी जा रहा है गाड़ी। दोस्तों मैंने राइट टर्न ले लिया है और मैं घुस गया हूँ वहाँ जाने का रास्ता में, सीधा अप चढ़ना पड़ेगा मुझे, अभी फिलहाल यहाँ से चढ़ाई करना पड़ेगा पूरा आगे तक जाके। फिर से एक राइट है जो रास्ता जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ, वही जो रास्ता है तो मुझे पूरा आगे में मिलने वाला है। उधर से मुझे मेन रोड से फिर दाएं तरफ घुसना पड़ेगा। दोस्तों एक्चुअली बात यह है, जो रास्ता हमेशा मैं जा रहा हूँ, देखिए ये वाला रास्ता है जो रिपेयर हो रहा है दोस्तों, इसी वजह से ये रास्ता बंद है। तो मैं जो तो और एक रास्ता है वो रास्ते से आया हूँ, शायद इसी वजह से उन्होंने बोला था मुझे वहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है और एक रास्ता नहीं, मुझे मालूम है तो मैं चला आया दोस्तों। यही है जो रास्ता जाता है, अभी फिर से मुझे राइट टर्न लेना पड़ेगा। सामने में ये मार्थन लूथर यूनिवर्सिटी, दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फटाफट सामान उतार लेते हैं दोस्तों, फिलहाल तो सामान उतार लेते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों ये देखिए, यही है यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा एरिया लेके बना है ये देखिए, तो सामान तो उतरना हो गया दोस्तों। चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं बाहर, बाहर जाके बात करते हैं। निकल गया यूनिवर्सिटी का बाहर, टाइम हो रहा है दोस्तों 3:50। चलिए चलते हैं अभी स्टैंड पे दोस्तों, पहला काम खत्म होने में अभी हो रहा है टाइम 3:50, लेकिन पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो भी गारंटी नहीं है दोस्तों। चलिए तो जो रास्ते से मैं आया हूँ वही रास्ते से मुझे वापस जाना पड़ेगा, था जो रास्ता हमेशा मैं आता हूँ और जाता हूँ। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टैंड पे। तो दोस्तों यहाँ पे आके बैठा ही हूँ, मैं पहुँच गया था दोस्तों 4:40 पे मैं पहुँच गया था यहाँ पे, अभी 1 घंटा हो चुका मैं यहाँ पे बैठा हुआ, अभी कोई भी कॉल नहीं आया। 4:40 में पहुँच गया था दोस्तों, एकदम 4:40 में, 40 मिनट लग गया आने में, 40 मिनट नहीं उसको ऊपर ही लग गया। तो यहाँ पे अभी 1 घंटा से बैठा हूँ, कोई भी कॉल कोई भी बुलावा आ ही नहीं रहा है, ना जाने क्या होगा, लगता नहीं आज भी और कुछ मिलेगा, शायद एक ही काम हुआ है वही है बस। तो देखते हैं दोस्तों, करते हैं इंतज़ार, देखते हैं क्या होता है।
मिलते हैं। 2000 years later. सो दोस्तों फाइनली मैं चला आया घर में, जीएस रोड में बैठा हुआ था दोस्तों, जब तक मेरा टाइम नहीं हुआ घर वापस आने का उस ना टाइम तक मैं बैठा हुआ था। दोस्त लोग भी बहुत, चार गाड़ियाँ था साथ मेरे, तो हम लोग चारों दोस्त बात कर रहे थे, चारों मेरा जैसे गाड़ी के ड्राइवर है सभी, तो बहुत ही अच्छा लगा, टाइम पास हो गया दोस्त लोगों के साथ बात करते करते। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा आज का। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।